नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। आपके साथ मैं हूँ अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पैरों में छिपी है कल की बात, पैरों में छिपे हैं कई राज, पैरों में छिपा हुआ है आपका भविष्य। देखिए काल चक्र। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच और सही है। आपके पैरों में आपके भविष्य के कई राज छिपे हुए हैं। आप अपने पैरों की बनावट से अपने आने वाले कल के बारे में जान सकते हैं। पैरों की बनावट आपके नेचर, फ्यूचर और आपके करियर के बारे में भी बहुत कुछ बयां करती है। तो क्या है आपके पैरों से आपके किस्मत का कनेक्शन? साथ ही पैरों से जुड़ी बुरी आदतें और पैरों की साफ सफाई से बरती गई लापरवाही कैसे आपको मुसीबत में भी डाल सकती है, ये आज हम कालचक्र में पंडित जी से जानेंगे। तो पंडित जी, आज का टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है और महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बताएं कि जो पैरों की बनावट है उससे किसी व्यक्ति के स्वभाव और उसके भविष्य के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है? देखो, सर, बात तो ये है कि मनुष्य के शारीरिक संरचना के आधार पर उसके जीवन की बहुत सी बातें पता चल जाती हैं, जैसे रोग, इम्यूनिटी, सोच, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के शारीरिक संरचना से पता चल जाती है। इसी क्रम में पैरों के बारे में आज हम बात करेंगे जी। जिन लोगों के पैर काफी बीच में उठे हुए होते हैं, ऐसे लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। जिस व्यक्ति के पैर बीच में काफी उठे हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने के काफी शौकीन होते हैं। और जिस व्यक्ति के पैरों में नसें ना दिखाई देती हों, ऐसे लोगों को जीवन में कभी पैसों की तंगी होती ही नहीं है। खास करके अगर महिलाओं के पैर के पंजे में नसें ना दिखाई दें, तो आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि ये लक्ष्मी का दूसरा रूप है। और जिन लोगों के पैर के तलवे का रंग हल्का पीला हो, ऐसे लोगों का झुकाव भोग विलासिता की तरफ ज़्यादा होता है और ऐसे लोग स्वास्थ्य से भी कमज़ोर रहते हैं। लेकिन अगर तलवे का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो, तो ऐसा व्यक्ति दुराचारी व्यभिचारी होता है। और तलवे का रंग अगर कमल के फूल की तरह हो, तो ऐसा व्यक्ति भगवान ही होता है या भगवान का ही अंश होता है। आपने बहुत कम लोगों का पैर ऐसा देखा होगा जिनके पैर के तलवे कमल के फूल के समान हैं। मैंने देखा है, एक संत हैं सक्तेशगढ़ में, स्वामी अड़गड़ानंद। वो जब कभी अपना पैर उठाते हैं, तो उनका पैर ऐसे लगता है जैसे कमल के फूल से इनके पैर को पेंट किया गया है। या तो श्री हरि विष्णु का पैर कमल के समान है। बहुत अच्छे संत हैं जिनके पैर ऐसे होते हैं, कुछ गृहस्थ भी होंगे जिनका पैर ऐसा होता है, लेकिन सफ़ेद तलवा होना दुराचार व्यभिचार का लक्षण है। पैरों की उंगलियां अगर चिपकी हुई हों या बहुत पास पास हों, नाखून सुंदर हों, तो निश्चित रूप से ये शुभकारी होता है। और पैर का अंगूठा बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो तो अशुभ होता है। पैर का अंगूठा अगर पैर से बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो और उसका बाहरी हिस्सा जो होता है वो कछुए के मुंह के आकार का हो, और ख़ास करके ये अगर पैर का निशान किसी महिला के पैर में हो, तो इस ऐसी महिला का जीवन पूरा संघर्ष में और अभाव में व्यतीत होता है। और जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा बेलनाकार, गोलाकार और नाखून स्पष्ट हो और नाखून की लंबाई भी अच्छी हो, ऐसी महिलाएं राजलक्ष्मी होती हैं और ये स्त्रियां पद्मिनी होती हैं। तो अगर आसपास में उंगलियां सटी हुई हैं, नाखून सुंदर हैं, एड़ियां साफ हैं, गोल हैं, तो ऐसे लोग भाग्य के धनी होते हैं। ऐसे लोग जिस कुल में जन्म लेते हैं उसका भी विकास होता है, जिस कुल से संबंध बनता है उसका भी विकास होता है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। पैर से जुड़े बहुत से आज ऐसे रहस्य हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने जीवन के अनुभव को आपसे साझा करना चाहूँगा। इसलिए
आज का ये कार्यक्रम आपके लिए देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी विवाह के लिए लड़का देखने के लिए, विवाह के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं, तो बिना बताए आप कैसे सब कुछ जान जाएंगे, ये आपके लिए आज की जानकारी काफी फायदेमंद साबित होगी। तो पैरों से कैसे जुड़ा हुआ है आपका किस्मत कनेक्शन, ये तो हम जानेंगे। साथ ही कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कालचक्र दर्शक कल्पेश हमारे साथ पुणे से। स्वागत है कल्पेश जी, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। लॉकडाउन की वजह से मेरा जॉब अभी छूट गया है, तो दूसरा जॉब कब मिलेगा मेरा? देखिए ऐसा है कल्पेश जी, आप कितने साल के हैं? 49। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आपकी नौकरी मिलने में नवंबर तक का समय लग सकता है। नवंबर के पहले अभी नौकरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको नौकरी अगर जल्दी पाना है तो आप बुधवार के दिन एक सफ़ेद रंग का झंडा, उसमें बीच में लाल रंग से ओम लिखवा दीजिए और उसे पीपल के पेड़ में बुधवार को बांध दीजिए और राम रक्षा स्त्रोत का अब रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपकी आजीविका हो जाएगी। पंडित जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने पैरों की संरचना के बारे में बताया, पैरों के टेक्सचर शेप, उनसे काफ़ी कुछ पता चल जाता है। अगर हम ये देखें कि कुछ लोगों के तलवे बड़े कोमल होते हैं, साफ होते हैं, साथ ही पैर की उंगलियों में लेकिन उनके गैप है, और अंगूठे की बगल की उंगली लंबी होती है, तो कहा जाता है कि उससे भी स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, कुछ बताएं उस बारे में। देखो, पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली अगर अंगूठे से लंबी होगी तो ये कैसा होगा, ये जानना सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पैर के बगल में जो इंडेक्स फिंगर पैर की होती है, पैर के जिनका पैर का तलवा पहले कोमल है जान लीजिए या मुलायम है जान लीजिए, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से बहुत ही सहृदय और संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग सहृदय और संवेदनशील होते हैं, इनका भाग्य मजबूत होता है। ऐसे लोगों को बिना ज़्यादा मेहनत किए सारी दुनिया की सुख सुविधाएं मिलती हैं। मुश्किल आए भी तो कुछ समय में हालत ठीक हो जाते हैं। और जिन लोगों के पैरों की उंगलियां दूर दूर रहती हैं, छितराई हुई रहती हैं, उनके जीवन में बहुत संघर्ष होता है। ऐसे लोगों को जीवन में कुछ भी पाने के लिए पूरा भगीरथ प्रयास, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सफलता भी मिलती है। जिस पुरुष के पैरों की उंगलियां चिपकी हुई होती हैं और पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से लंबी होती है, ऐसा व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में ज़्यादा महत्व रखता है, उसकी बातें और फैसले मान्य होते हैं। अगर पैर के बगल वाली उंगली बड़ी है तो आपकी जीवन संगिनी आपको बहुत प्यार करेगी, और अगर ऐसा किसी महिला के पैर में है तो उसका जीवन साथी उसे बहुत प्यार करेगा। ऐसे लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं, लेकिन इस उंगली का बहुत ज़्यादा बड़ी होना शुभ संकेत नहीं है, ये दुराचार को प्रदर्शित करता है। बहुत बड़ी नहीं होना, 5 mm तक बड़ी हो सकती है, लेकिन ये कहिए कि 1 cm बड़ी हो जाए, 1.5 cm बड़ी हो जाए, तो ये फिर तो अनर्थकारी है, फिर ये अच्छा नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है कि इसे आप छोटा कर लें या बड़ा कर लें, ये तो भगवान द्वारा बनाई गई चीज़ है, और ख़ास करके ये वंशानुक्रम के आधार पर ज़्यादा निर्माण इसका होता है। पैर की बनावट, पैर की संरचना या तो माता के पैरों के आकार पर होती है या तो पिता के पैरों के आकार पर होती है, तो इसलिए बहुत कुछ चीज़ें तो देश काल और परिस्थिति के ऊपर आधारित करती हैं, और ये वंशानुक्रम के ऊपर आधारित है। शरीर की शारीरिक संरचना ये वंशानुक्रम के आधार पर ज्यादा महत्व रखता है। चलिए, और अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। जलंधर से हमारे साथ जुड़ रही हैं जी, स्वागत है आपका, नाम बताइए और प्रश्न पूछ लीजिए। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम दमनजीत कौर है, मेरी जन्म की तारीख है 29 जुलाई 2002, स्थान है इंदौर मालवा, और समय है रात को 12:20 सोमवार का दिन। जी पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये कि मैं विदेश जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मतलब कब तक समय आएगा, और कुछ आप उपाय बता सकते हैं? दूसरा प्रश्न मेरा ये है, मेरे माता और पिता में बहुत ज्यादा मतभेद रहती है, तो कृपया आप इसके लिए भी कुछ उपाय बताएं, ताकि। चलो, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि 2022 के अंत में या 2023 के शुरुआत में तुम्हारी विदेश यात्रा जरूर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ प्रयास करो। अगर कोरोना काल न होता तो शायद आपका और पहले जाने का संयोग
बन जाता। अभी तो आप 19 साल की हो रही हो, 21 साल की उम्र तक आपको विदेश चले जाना है और वहाँ जाकर के सेटल्ड भी होना है। जहाँ तक आपने अपने माता पिता के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊँ, इन लोगों के अंदर बुराई कुछ नहीं है, इन लोगों के अंदर बहसबाजी की आदत है। बिना बहस के ये लोग नहीं रह सकते। ये दूसरे के प्रति बेवफा नहीं है, ये दूसरे के प्रति दुश्मन नहीं है, लेकिन ये दोनों ही कानून करने वाले लोग हैं। आप अपनी माता जी से कहिए कि बुधवार के दिन एक हरे रंग का टी शर्ट या हरे रंग का कोई कपड़ा जो आपके पिताजी धारण कर सकें उसे आपके पिताजी को गिफ्ट कर दें। और आपके पिताजी को चाहिए कि एक सोने की अंगूठी अपने पत्नी को बृहस्पतिवार के दिन अनाम की उंगली में धारण करवा दें। इससे दोनों के बीच का सामंजस्य काफी हद तक ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब अपने विषय पर आते हैं। पैरों में कई राज छुपे हुए हैं। पंडित जी कहते हैं विवाह में भी पहले लोग सिर्फ पैर देखकर ही लड़की को चुन लिया करते थे। कुछ महिलाओं के पैरों की नस नज़र आती है एड़ी में, और दूसरी तरफ अगर उनके अंगूठे की जो बगल की उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, वो लंबी है, तो इससे उनके आने वाले भविष्य के बारे में क्या पता लगता है? देखो, आपने बहुत बार ये बात सुना होगा कि वो बहू आई, उसका पैर अच्छा है, उसका पौरा अच्छा है, उसका पौरा ख़राब है, वो जब से आई तब से बर्बादी होने लगी, पौरा ख़राब है, पौरा अच्छा है। ये आपने सुना होगा, पांव अच्छे हैं, पांव ख़राब हैं, ठीक है। और यहाँ दिल्ली में और पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जब कुंडली बनती है तो लोग ये पूछना नहीं भूलते हैं, पंडित जी पाया किसका है, चांदी का है कि सोने का है, तांबे का है कि लोहे का है, राशि का पाया क्या है, ये जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है। ये जन्म के समय निर्धारित होता है, तो पाया भी पूछा जाता है, पाया का भी कहीं ना कहीं से संबंध इससे होता है। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों के अंगूठे पास वाली उंगली और अंगूठे से छोटी होती है, समझ लो, ऐसे लोगों के जीवन में, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, वैवाहिक सुख बड़ा कमजोर होता है। ऐसे लोग दिमाग से बहुत मजबूत तो होते हैं लेकिन वैवाहिक सुख बड़ा कमजोर होता है। जिन महिलाओं के पैरों के अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से ज़्यादा लंबी होती है, ऐसी महिलाओं के पति उनकी बात सुनते हैं। बात सुनते क्या हैं, अक्षरशः पालन करते हैं। और जिन लोगों के पैरों में नसें साफ दिखाई देती हैं और ज़्यादा नसें होती हैं, ऐसे लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों की एड़ियाँ हमेशा फटी रहती हैं, ऐसे लोगों का भाग्य कमजोर हो जाता है। परिवार में सभी लोगों के पैरों की एड़ियाँ गंदी और ख़राब हों तो घर में दुख, आर्थिक तंगी, रोग बना रहता है। जिन लोगों के पैरों के नाखून हमेशा कटे हुए रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में सुख शांति का अभाव रहता है। देखिए, पुरुषों की बात तो अपनी जगह है, स्त्रियों की बात यह है कि स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री जो मानी गई है शास्त्रों में, वो पद्मिनी मानी गई है। उसके बाद पद्मिनी के बाद नाम आता है चित्रिणी का, चित्रिणी के बाद संखिनी का, संखिनी के बाद हस्तिनी का। ये 16 प्रकार की महिलाएं होती हैं। पद्मिनी स्त्री उसको कहते हैं जिसके कंठ पे यहाँ तिल होता है, जिसकी गर्दन लंबी होती है, जिसके चलते हुए पैर से किसी तरह की आवाज़ नहीं निकलती, जो हंस की तरह चलती है, वो है पद्मिनी। ऐसी लड़कियाँ जिस घर में पैदा होती हैं वहाँ महालक्ष्मी साक्षात आकर विराजमान हो जाती हैं, और ऐसी कन्याएं जिस घर में ब्याही जाती हैं वहाँ भी लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है। इसी तरह से चित्रिणी होती हैं, चित्रिणी स्त्रियाँ जो होती हैं वो प्रसाधन की बहुत शौकीन होती हैं, उन्हें शौक बहुत होता है, उनको सजना संवरना, अपने को हर समय मेंटेन करना ये बहुत पसंद होता है। और चित्रिणी स्त्रियों का शरीर जो होता है वो बहुत ही सुगठित और व्यवस्थित होता है। इसी तरह से संखिनी स्त्रियां जो होती हैं उनका गर्दन तो पतला होता है लेकिन वो बहुत दुबली पतली होती हैं, और सचमुच में ये विद्वान होती हैं। लेकिन हस्तिनी महिलाएं जो होती हैं वो झूम कर चलती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं, काफ़ी शरीर उनका स्थूल होता है, भोजन ज़्यादा करती हैं, और भाग्य भी मध्यम श्रेणी का ही रहता है, बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो देखिए, शारीरिक संरचना के आधार पर बहुत कुछ चीज़ें पता चलती हैं, ये सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन इसका आया है, और पैरों के आधार पर बहुत कुछ जीवन के निर्धारण में आसानी मिलती है। मैंने आपको एक बात बताया कि जिन महिलाओं के
पैर के पंजे पर नसें ना दिखाई देती हों तो पक्का है कि ये महिला साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और अगर सारे नसें हरे रंग की और साफ साफ दिखाई देती हों, जाल जैसा बुना हुआ हो, तो बुद्धिमान होते हुए भी, कर्मठ होते हुए भी संघर्षों में जीवन व्यतीत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए कालचक्र दर्शक संगीता हमारे साथ पुणे से जुड़ रही हैं। स्वागत है आपका संगीता जी, क्या जानना चाहती हैं, पूछिए पंडित जी से। गुरु जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरा नाम है संगीता और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/8/71 और सुबह का है 6 बजे और जन्म स्थान है बुल्ढाणा महाराष्ट्र। गुरु जी मुझे ये पूछना है कि मेरे सर में बहुत दर्द होता है, गले में दर्द, पेट में दर्द, पैर में दर्द। गुरु जी बहुत साल से मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा लगता है किसी ने मुझे अमृत दे के ठीक करना चाहिए, ऐसा हो रहा है। गुरु जी हॉस्पिटल भी हो गए, बहुत सारा ये हो गया लेकिन कुछ फर्क ही नहीं है। संगीता तुमने जो प्रश्न किया बेटा, इसके आधार पर तुम्हारे रोग स्थान में प्रश्नकाल में सूर्य बना हुआ है और इसका स्वामी है चंद्रमा जो शुक्र के साथ है। पहली बात तो मैं बताऊं कि आपका रोग जो है वो कहीं ना कहीं एलर्जी से संबंधित है। और दूसरी बात, जो आपको सिरोविकार सर में दर्द की समस्या है, इसके लिए आपको एक मैं उपचार बताना चाहूँगा। अनंत मूल की जड़, अनंत मूल नाम का एक पौधा होता है जिसकी जड़ को आप मंगलवार को खरीद कर अपने घर लाएँ और उसे लाल धागे में बांध कर 45 दिनों के लिए आप अपने गले में धारण कर लें। और दो दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ आयुर्वेद की, एक सारस्वतारिष्ट और एक अश्वगंधारिष्ट। सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट के 2 बोतल लीजिए, दोनों को एक पतीले में मिला दीजिए और फिर उसके 4-4 चम्मच दवा सुबह शाम आप 3 महीने सेवन कीजिए। निःसंदेह आपकी सिरदर्द की बीमारी जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगी। बाकी के जो रोग आपके बचते हैं उसके लिए आपको दूध और चावल सोमवार को मंदिर में दान करना चाहिए। ये उपाय अगर आप 16 सोमवार करेंगी तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब अपने चर्चा पर वापस लौटे हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और किस तरह से पैर के अंगूठे और उंगलियों को देखकर किसी के आने वाले कल के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनका भविष्य क्या है, ये बताइए। देखिए, जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताही न आवे ताही पर ताही तहां लग जाए। पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना आना चाहिए, सब कुछ चीज़ें भविष्य की तरफ इशारा पहले से करती हैं। जीव जंतु से लेकर के प्रकृति तक जी, वायुमंडल से लेकर के आकाश तक आने वाली घटनाओं का संकेत करते हैं। ये बात दूसरी है कि हम समझ नहीं पाते हैं। जिन लोगों के पैरों की सभी उंगलियां लगभग एक समान होती हैं, ऐसे लोग सुलझे हुए स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। और जिन लोगों के पैर का अंगूठा और उसके बाद की 2 उंगलियां एक बराबर होती हैं, ऐसे लोग सभी के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। जिन लोगों के पैर का अंगूठा और उसके बगल वाली 2 उंगली बराबर होती हैं, ऐसे लोग बहुत मेहनती भी होते हैं। लेकिन देखा गया है कि ऐसे लोगों का भाग्य कभी कभी कमजोर होता है, क्योंकि अगर उंगलियां क्रमशः छोटी बड़ी हों तो शायद ये ज़्यादा कल्याणकारी शास्त्रों में माना गया है। जैसे अंगूठे के बगल वाली उंगली थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और उसके बगल वाली उंगली उससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, उससे बगल वाली उससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए और जो लास्ट वाली उंगली है उसे सबसे छोटी होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से छोटी वाली उंगली और उसके बगल वाली उंगली अगर जमीन पे ना पड़ती हो तो ये क्या इशारा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर। चलिए आज की दिलचस्प और जरूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं आपके पैर की अंगूठे और बाकी उंगलियों की। तो अगर आपके पैर का अंगूठा बड़ा और बाकी उंगलियों की लंबाई घटते हुए आकार में हो, या फिर पैर की सबसे छोटी उंगली बाहर की तरफ निकली हुई हो, तो आप कैसे इंसान हैं, आपको सफलता कब मिलेगी, जानते हैं पंडित जी से। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है और लगभग 90% लोगों के पैर में ये देखा गया है जी, कि अंगूठे के बगल वाली उंगली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है
और उसके बाद की सारी उंगलियां निरंतर एक दूसरे से छोटी होती हुई चली जाती हैं। लेकिन 10% ऐसे लोगों के भी पैरों की संरचना देखी गई है जिनका अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली उंगली एक बराबर होते हैं या तो बगल वाली उंगली हल्की सी छोटी होती है और बाकी की सारी उंगलियां छोटी होती होती छोटी हो जाती हैं। तो जिन लोगों के पैर का अंगूठा बड़ा होता है बाकी उंगलियों की लंबाई घटते हुए आकार में होती है, यानी बड़े से छोटे की तरफ, तो ऐसे लोग कम बोलने वाले होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं और भावुक होते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर अधिकार जमाते हैं। ये लोग अपनी बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं। जिन लोगों के पैर की सबसे छोटी उंगली बाहर की तरफ निकली हुई होती है ऐसे लोगों को अपने तरीके से हर काम करना पसंद होता है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, किसी के पैर को देखते समय आप टोकिएगा मत, बहुत गलत हो जाएगा। पैर को देखिए तो आप ये ध्यान से देखिए कि अगर पैर की पांचों उंगलियाँ, अंगूठे सहित पांच चारों उंगलियाँ अगर पूरा जमीन पर पड़ती हों तो ऐसा व्यक्ति सदाचारी, पवित्र और भाग्यशाली होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ चार उंगलियां जमीन पर पड़ें और सबसे छोटी वाली उंगली जमीन पर ना पड़े तो ऐसा व्यक्ति गुप्त पापी है। और अगर केवल तीन उंगलियां पृथ्वी पर पड़े और दो उंगलियां बिल्कुल पृथ्वी पर ना पड़ें, सबसे छोटी वाली, तो ऐसा व्यक्ति प्रगट पापी होता है। और इसके उपाय के लिए, अगर ये दुर्गुण है, अगर ऐसा भगवान के यहाँ से बन करके आप आए हैं, तो इसके अभिशाप से बचने के लिए चंद्रायण व्रत करना चाहिए। चंद्रायण व्रत कहते हैं, पहले दिन एक ग्रास खाया जाता है, दूसरे दिन दो ग्रास, तीसरे दिन तीन ग्रास, 24 घंटे में 15वें दिन 15 ग्रास भोजन किया जाता है और फिर 16वें दिन 14, 13, 12, अंत में एक ग्रास पर आया जाता है। ये चंद्रायण व्रत है। हर पूर्व जन्म के हर प्रकार के प्रायश्चित का समन करने वाला यह चंद्रायण व्रत निःसंदेह मनुष्य के जीवन के पाप ताप को कम करके सौभाग्य का उदयकारी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके पैर के पंजे पतले हैं, आपके पैर की जो दूसरी और तीसरी उंगली है उसके बीच में ज्यादा गैप है, या फिर पैर के अंगूठे से तीसरी उंगली तिरछी होती है, तो क्या कहते हैं आपके सितारे? पंडित जी उनके बारे में बताएं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, लेकिन आप अपने इस ज्ञान का ना तो प्रदर्शन करेंगे और ना ही किसी की ज़िंदगी में ऐसा बोलेंगे जिससे कि उसकी ज़िंदगी में जहर घुल जाए। जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन किसी बात को जब आपसे पूछा जाए तभी आपको उस पर राय देनी चाहिए। बेवजह रायचंद और अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए किसी के जीवन में जहर नहीं घोलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ पैरों की बनावट है भगवान ने बनाया है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? जिसके पैर की बनावट खराब है उसका दोष क्या है? ये बनावट तो भगवान की है, और भगवान की बनावट को अगर आप कोस रहे हैं तो आप कैसे इंसान हैं, खुद आप अपने आप को सोचिए। तो जिन लोगों के पैर के अंगूठे से तीसरी उंगली थोड़ी सी तिरछी होती है ऐसे लोग हर काम बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं। जिन लोगों के पैर में छोटी उंगली बाकी उंगलियों से आसानी से अलग नहीं होती है ऐसे लोगों को ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं होता है, लेकिन अच्छे साथी होते हैं। जिन लोगों की दूसरी और तीसरी उंगली के बीच गैप होता है ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा इमोशन इन्हीं में पाया जाता है। जिन लोगों के पैरों के पंजे पतले होते हैं ऐसे लोग दूसरों के लिए प्रोत्साहन बनते हैं। निःसंदेह पतले पंजे वाले लोग बहुत ज़्यादा कर्मठ, तेज तर्रार और जुझारू होते हैं, लेकिन इनकी इम्यून पावर जो है कमज़ोर होती है और ये लोग भोजन बहुत कम करते हैं। ऐसे लोग भोजन करते भी हैं कि नहीं करते हैं ये आश्चर्य का विषय है। जिनके पैर के पतले पंजे होते हैं ये कम खा करके भी ज़्यादा तंदुरुस्त बने रहते हैं, कम खा करके भी एक्टिव बने रहते हैं और इनके चेहरे पर तेज रहता है। जय मां बिंदी वासिनी।
तो पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि पैर की सबसे जो छोटी उंगली की बनावट है, अगर वो किस तरीके से हमारे नेचर को प्रदर्शित करती है और फ्यूचर कैसा होगा? देखिए, जिन लोगों के पैर की कनिष्ठिका उंगली, सबसे छोटी उंगली, बगल वाली उंगली से बड़ी होती है, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। पैरों की सबसे छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली एक बराबर होती है, ऐसे लोग अपने बच्चों से बहुत सुख पाते हैं। पैर की छोटी उंगली के पास वाली उंगली अगर पैर की मध्यमा उंगली से ज़्यादा छोटी हो तो ऐसे लोगों को स्त्री सुख कम मिलता है। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि जो सबसे छोटी वाली उंगली है वो थोड़ी सी अगर लंबाई लिए हुए हो और ज़मीन पर पड़ती हो तो ये भाग्यशाली होने का लक्षण है। बहुत छोटी हो, उसका केवल अगला नाखून वाला हिस्सा ज़मीन पर पड़ता हो, बाकी उंगली बिल्कुल ज़मीन पर ना पड़ती हो, तो ये संघर्ष से सब कुछ प्राप्त होने का संकेत है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने पैरों और तलवे से लेकर अंगूठे, उंगलियां, उनकी संरचना के बारे में बता दिया, स्वभाव कैसा हो सकता है, भविष्य कैसा हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई परेशानी पैरों की संरचना में ही है तो पैरों के ख्याल से, केयर करके हम भाग्य को बेहतर कर सकें? कैसे पैरों का ख्याल रखना चाहिए? ठीक बात है। देखो, दो प्रकार की खराबी होती है, एक तो ईश्वर प्रदत्त और एक प्रकृति प्रदत्त। ईश्वर प्रदत्त परेशानी ये होती है कि पैर पेट में से ही कैसा है। किसी बच्चे का टेढ़ा पैर होता है, बचपन से जन्मजात टेढ़ा होता है, और कोई पैदा होने के बाद, चोट चपेट लगने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद, दुर्घटना होने के बाद विकृत हो जाता है जी। तो ऐसे में क्या आप लोग ये जानना पसंद करेंगे कि ये जो पैर का अंगूठा है या उंगलियां हैं या इनकी जो वक्र स्थिति है ये किस तरफ इशारा करती हैं, इनका किस तरफ संकेत है? तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए, पैर का जो अंगूठा है, ये महिलाओं के पैर का अंगूठा अगर गोलाकार है तो उनका पति राजा के समान होता है, और पुरुषों का अंगूठा अगर गोला है तो ऐसे लोग विद्वान और बुद्धिजीवी होते हैं। तो क्या आप लोग अपने पैरों की साफ सफाई करते हैं? क्या आप लोगों का पैर धोने का तरीका सही है? किसी भी व्यक्ति के पैर उसके भाग्य और दुर्भाग्य का संकेत देते हैं। जब भी बाहर से घर आएं, अपने पैर जरूर धोएं, लेकिन मंदिर से आने पर पैर नहीं धोना चाहिए। मंदिर से आने पर उसी पैर से घर में टहलना चाहिए। मंदिर से आने के बाद पैर तुरंत नहीं धोना चाहिए, और कहीं से आए तो पैर जरूर धोएं। इससे आपके घर में बाहर की नेगेटिविटी नहीं आएगी। सनातन धर्म की मान्यता यह है कि सत्संग और मंदिर से आने के बाद आपके पैरों में पॉजिटिविटी रहती है, जिसका संचरण आपके घर में हो जाएगा, इसलिए पैर धोने की मनाही की जा रही है। पैर जितने गंदे रहेंगे आपको समाज में उतना ही मान सम्मान कम मिलेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु खराब होता है उनके पैर हर समय गंदे रहते हैं, और इन्हीं लोगों के पैर का मोजा अंगूठे के पास फटता है। पूरा मोजा ठीक होगा, अंगूठे के पास एक छेद जरूर होगा, जिनका राहु खराब होता है। और ऐसे लोग अपने पैरों के रख रखाव के प्रति बहुत लापरवाह होते हैं। तो अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए जब भी आप मंदिर जाएं, अपने पैर धो करके ही मंदिर में प्रवेश करें। बाहर की निगेटिविटी लेकर के आप मंदिर में प्रवेश ना करें, लेकिन जब मंदिर से वापस घर आएं तो तुरंत पैर ना धोएं। यही बात मैं बता रहा हूँ। जब भी योग या प्राणायाम करें तो अपने पैर जरूर धोएं, योग और प्राणायाम शुरू करने के पहले। तो निश्चित रूप से पैर जब धो दिए जाते हैं, पहली बात तो ठंडा होता है, ये एक अलग विषय है, लेकिन धो करके जब उसको पोंछ दिया जाता है तो 72,000 जो हमारी शरीर की नाड़ियां हैं उनमें एक बार क्रियाशीलता आ जाती है, वो एक्टिव हो जाती हैं। तो आप भी पैरों के प्रति लापरवाह ना बने, और अपने पैरों की साफ सफाई पर आपको ध्यान देना चाहिए। जो लोग पैरों की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, सचमुच में ऐसे लोग
लापरवाह होते हैं। अगर पैर साफ सुथरा नहीं है तो आप देख लीजिएगा उनका बिस्तर भी साफ सुथरा नहीं होगा, उनके सब कमरे में रखी हुई सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी। ऐसे लोग व्यवस्थित दिनचर्या के लोग नहीं होते हैं, इसलिए पैरों की देखरेख करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने कि देखरेख करनी चाहिए पैरों की, क्योंकि इससे हमारे किस्मत कनेक्शन जुड़ा हुआ है। क्या आप भी पैर के ऊपर पैर रगड़कर सफाई करते हैं? क्या आप रोज सोने से पहले अपने पैर धोते हैं? अगर हाँ तो ऐसा करना कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है, ये भी पंडित जी बताएंगे। बहुत लोग तो अपने पैरों की सफाई ऐसे करते हैं कि जैसे एड्स के पेशेंट को छू रहे हैं, एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ देते हैं, दूसरे पैर से दूसरे पैर को रगड़ देते हैं, मतलब हाथ से पैरों को छूना नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे कोरोना अभी हो जाएगा, हाथ में आ जाएगा, इतना डरते हैं अपने पैरों को छूने से। और एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ते हैं, दूसरे पैर से दूसरे पैर को रगड़ते हैं। अक्सर आपने बहुत लोगों के अंदर ये बात देखी होगी। तो सुबह से रात तक हमारे शरीर में काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आती है, इसे दूर करने के लिए रात में सोने से पहले अपने पैर जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से आपको अच्छी नींद आएगी और बुरे सपने भी नहीं आएंगे। सोने से पहले पैर धोने से गैस और एसिडिटी, कब्ज की तकलीफ भी ठीक होती है। भोजन करने से पहले भी अपने हाथ और पैर धो करके भोजन करना चाहिए। पैरों के तलवे जितना ज़्यादा साफ सुथरा होंगे, पाचन शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। शरीर की 72,000 नाड़ियाँ पैर के तलवे से संबंध रखती हैं, और एक्यूप्रेशर का कोई विद्वान व्यक्ति अगर होगा तो आपके शरीर के चाहे जो रोग हो वो पैर के नीचे के पॉइंट दबा करके आपको ठीक कर लेता है। तो पैरों से पैरों को रगड़ करके सफाई मत करिए, ये दुर्भाग्य का लक्षण है, नहीं तो धनहानि होगी और पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ेगा, चाहे जितना कमा लीजिएगा। एक पैर से दूसरे पैर को ना तो ठोकर मारनी चाहिए, ना एक पैर से रगड़कर दूसरे पैर की सफाई करनी चाहिए, ये अशुभ लक्षण है, इसलिए ये बताना हमारा धर्म बनता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से पैरों से जुड़ी उन बुरी आदतों के बारे में जानते हैं जो हमारे भविष्य को खराब कर सकती हैं। पंडित जी बताइए। देखो भाई, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप पैर घसीट कर चलते हैं? क्या आपके चलते समय पैर से खिस खिस की आवाज़ आती है? तो आज ही ये आदत बदल लीजिए, क्योंकि अब तक राहु आप पर बहुत अशुभ प्रभाव डाल चुका है। राहु के बुरे प्रभाव से ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति संतुलित नहीं रहती है। ऐसे लोग कभी भी आत्मनिर्भर नहीं रह पाते हैं, तरक्की में रुकावट आती है, व्यक्ति बीमारियों से घिरा रहता है। ऐसी महिलाओं का जीवन अभाव में व्यतीत होता है। ऐसा पुरुष कठिन परिश्रम करके भी सामान्य से नीचे का जीवन जीता है। ऐसे लोगों को अपने पैरों को घसीटकर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। चलते समय दोनों हाथों को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना चाहिए। हाथों का बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन, ये अशुभ लक्षण है। और जो महिलाएं चलते हुए सिर्फ एक हाथ को कंधे के बराबर ऊंचाई तक लेकर के हिलाती हैं और पैर से खिस खिस की आवाज़ आती है, कंधा उठा हुआ होता है, ये महिलाएं दुर्भाग्य की सूचक होती हैं और इनके पति आजीवन परिश्रम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इसी तरह से पुरुषों के बारे में भी बताना चाहूँगा कि जो पुरुष एड़ी रगड़ करके ज़मीन पर चलते हैं वो मजदूर टाइप के लोग होते हैं और सिर्फ अपनी आजीविका को बहुत ही श्रम के साथ अर्जित कर पाते हैं और घर परिवार को भी व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर भी पैर रगड़ कर चलने की आदत है तो आज से ही इसमें सुधार करने की कोशिश करिए। अगर लगातार आप अभ्यास करेंगे तो कुछ दिनों के बाद इसमें आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के बताए इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, और अगर आप भी अपने पैर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो कौन सी परेशानियाँ हैं जो आपको घेर सकती हैं पंडित जी? देखिए, पैर की साफ सफाई पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सीधी सीधी बात है कि अगर एड़ी फटी होगी, पैर की साफ सफाई नहीं होगी तो एड़ी फटी होगी, बुरी तरह से फटेगी। ये भी खराब राहु का निशानी है जो दुर्भाग्य को बढ़ाता है।
ऐसे लोगों के जीवन में पैसे की हर समय कमी बनी रहती है, ज़्यादा मेहनत के बाद भी कम सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जूता पहनना चाहिए, चप्पल नहीं पहनना चाहिए। अपने पैरों की साफ सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। तो ये सब ऐसे उपाय हैं जिससे आप अपने पैरों को व्यवस्थित करके अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। पैर जितना ही कोमल, देखने में नाजुक, देखने में सुंदर और कमल के पंखुड़ियों की तरह रंग वाला होगा, उतना ही ज़्यादा व्यक्ति भाग्यशाली और धर्मात्मा होगा। हम लोगों के ज़माने में एक फिल्म आई थी, उसमें ट्रेन में चलती हुई हीरोइन के पैर को देख करके हीरो कहता है कि इन पैरों को ज़मीन पर मत उतारना, नहीं तो गंदे हो जाएंगे। तो कहने का आशय ये है कि पैर की बनावट से व्यक्ति के बारे में यह पता लगाया जा सकता है कि इसका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत कैसे हमारी किस्मत पर भारी पड़ सकती है पंडित जी? देखिए, जिन लोगों का राहु जन्म कुंडली में कमज़ोर होता है, ऐसे लोग बैठे बैठे पैर हिलाते हैं और ऐसे लोगों को उम्र के 34वें और 36वें साल में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। 48 साल में आते आते इनकी परेशानियां दोगुनी हो जाती हैं। ऐसे लोगों का बुध और शुक्र भी धीरे धीरे कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों की एकाग्रता कमज़ोर होती है। ऐसे लोग धैर्यहीन होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पैर हिलाते हैं उनका पेट भी खराब रहने लगता है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है और एंजाइटी की समस्या भी हो जाती है। ऐसे लोगों को पैर नहीं हिलाना चाहिए। हर रोज़ 10 मिनट पद्मासन में बैठना चाहिए। पद्मासन में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और अपने मन में सोचना चाहिए कि पैर हिलाने जैसी जो बुरी आदत हमारे अंदर है ये समाप्त हो जाए, ऐसा थॉट अपने मन को देना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, अभी तक आपने हमें पैर और हमारी उससे जो किस्मत कनेक्शन है उसके बारे में कई बातें बताई। अब पैरों से जुड़ी उन कुछ खास उपायों के बारे में बताइए जिससे व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। देखिए, सच बात तो ये है कि हर उपाय जो है वो आपकी मनोकामना को पूरा कर सकता है, वो चाहे छोटा उपाय हो या बड़ा। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, तरक्की में बाधा आ रही है, तो हर दिन आप हरी घास पर सूर्योदय के समय 2-5 मिनट चलने का अभ्यास करिए। शनि के सुप्रभाव को पाने के लिए नंगे पैर मंदिर जाइए। जिस व्यक्ति की कुंडली के 6ठे भाव में शुक्र हो, उसकी पत्नी को नंगे पैर जमीन पर नहीं रखने चाहिए। जिन लोगों का शुक्र कमज़ोर होगा, वो चलते समय अपने पैर खोलकर और बाहर की ओर करके चलेंगे। जिन लोगों को जोड़ों की समस्या है, वो अपने पैर के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहन लें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हर रोज़ सुबह अपनी माँ के पैर छुएं। सूर्य को मजबूत करने के लिए हर रोज़ अपने पिता के पैर छुएं। अपने पूरे दिन को शुभ और सफल बनाना चाहते हैं तो सुबह उठते ही आपका जो श्वास चल रहा है वही पैर जमीन पर पहले रखें। झाड़ू पर कभी भी पैर ना रखें, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। जूठे मुँह हाथों से या पैर से कभी गौ, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आपने बहुत ही रोचक विषय पर हमें जानकारी दी और इतनी खास बातें बताई कि इसका हमारे दर्शक जरूर पालन करेंगे, उन उपायों पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।